नमस्कार दोस्तों, और मैं संजीव कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा गणित का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मेरे पास सवाल दिया है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स माइनस छः बराबर जीरो का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। सर्वप्रथम क्या है, मेरे पास जो द्विघात समीकरण दिया है, सर्वप्रथम उसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स माइनस छः बराबर जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी हम तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर। ए का मान हमारा हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक में होता है वो ए का मान होता है। इसी तरीके से इस समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बी का मान खाली एक्स के साथ जो गुणांक में होता है वो बी का मान होता है। इसी तरीके से जो खाली एक्स दिया है इसके गुणांक में जो संख्या दी है वो बी का मान हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा माइनस का 2 के, ठीक है। इसी तरीके से सी का मान हमारा हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास मूल हैं, माना जो पहला मूल हमने माना है, पहले मूल को हम अल्फा मान लेते हैं, और जो दूसरा मूल है उसको हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला मूल दिया है, इसका मतलब जो अल्फा का मान हमारा दे दिया है कितना दिया है, 3, बीटा का मान हमें नहीं पता है, ठीक है। तो एक सूत्र होता है मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा सूत्र होता है। मूल मेरे पास कौन कौन से थे, एक तो हमारा अल्फा, और योगफल करेंगे तो अल्फा और बीटा, मतलब ये पहला मूल है दूसरा मूल, इनको हम जोड़ देंगे, तो इसको हम पढ़ सकते हैं मूलों का योगफल बराबर बी का मान हमारा दिया है माइनस का 2k, यहाँ माइनस पहले से लगा है मेरे पास, तो हम ब्रैकेट लगा देंगे और लिखेंगे 2k बटे ए का मान कितना है 1। जब अब क्या करेंगे, अल्फा के जगह पर हम कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर जब ओपन करेंगे तो ये हमारा 2k प्लस में हो जाएगा, बटे में 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, बीटा बराबर क्या होगा, इस 3 को हम पक्षांतर कर देंगे, 2k मेरे पास पहले से था, 3 जब उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो बीटा का मान आ जाएगा 2k माइनस 3। दूसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, इसको कह सकते हैं मूलों का गुणनफल, ये अल्फा है ये बीटा, ये मूल हैं और इंटू लगा, इसका मतलब ये गुणनफल हुआ। इसका सूत्र होता है सी अपॉन ए, ठीक है। इसको हम हिंदी में पढ़ सकते हैं मूलों का गुणनफल, पहला मूल है ये दूसरा मूल, बीच में इंटू लगा है, इंटू को हम गुणनफल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मान भर देंगे, अल्फा का मान हमारा 3 था, गुणे लगाएंगे, और बीटा का मान अभी हमने निकाला है 2k माइनस का 3, ठीक है। ये हमने यहाँ पर मान इसको भर देंगे, सी का मान हमारा कितना था, सी का मान हमारा था माइनस का 6, ठीक है। तो सी के जगह पर हम रख देंगे माइनस का 6, और ए का मान कितना था, 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2k माइनस का 3 बराबर माइनस का 6 बटे में 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, जब ये संख्या जब आएगी तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, बटे में हो जाएगी, 1 हमारा पहले से ही था, ये भी हमारे साथ में बटे में आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 3 से इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 3 × 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2k माइनस का 3 बराबर यहाँ माइनस का 2 बटे में 1 लिखा जाए या ना लिखा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2k बराबर माइनस 2, ये संख्या जब पक्षांतर कर देंगे तो 3 जब इधर जाएगा, इसका चिन्ह बदल गया, ये प्लस में हो जाएगी, तो 2k बराबर
इसको जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा वन, ठीक है। अब k बराबर क्या हो जाएगा, वन बटे हमारा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो k का मान हमारा एक बटे दो आ गया, ठीक है। यही हमें मान निकालना था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। धन्यवाद।